मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम अड़ताल जगाते हैं कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी भैया को रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं तो बयान करना है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको को जलाइए। पहले नुपुर शर्मा ने जब लिखी लिखाई बात कही तो देश में दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और आज तक नुपुर शर्मा अपने घर में ही कैद है। और अब डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक बयान के बाद अब देश का एक धर्म विशेष उनके खिलाफ हो चुका है। यही नहीं, उनके इस बयान के बाद डासना में स्थित कई सौ साल प्राचीन मंदिर को घेरा गया और उस पर हमले की भी खबरें सामने आई। अल्लाह अकबर और सर तन से जुड़ा के नारे भी लगाए गए। तो आइए आपको आज बताते हैं कि डासना में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक धर्म विशेष की भीड़ ने एक प्राचीन हिंदू मंदिर को घेर लिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का बयान क्या था, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ था। संवेदना व्यक्त करता हूँ, हम अड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम अड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद कितना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी भैया को रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं तो बयान करना है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको को जलाइए। देखो लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा। अगर जलाना है उतने जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहब्बत के बाद। तो यति नरसिंहानंद ने ये बयान 29 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद एक धर्म विशेष की भीड़ डासना देवी मंदिर के बाहर इकट्ठी हो गई, जिसने अल्लाह अकबर और सर तन से जुड़ा जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए। जो लोग इस नारेबाजी और मंदिर के घेराव के समय मंदिर अंदर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये भीड़ मंदिर पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए ही आई थी। इस भीड़ को पुलिस द्वारा ही तितर बितर किया गया, लेकिन पुलिस ने ही बाद में कहा कि कोई हमला नहीं हुआ था और सिर्फ कुछ लड़के ही बाहर हो हल्ला मचा रहे थे। आज दिनांक 4/10/24 को डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेबसिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पूर्ण अशांति बनी हुई है, यहाँ पर और अतिरिक्त फोर्स पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। विरोध प्रदर्शन सिर्फ डासना में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुआ। इस विवाद के बाद यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाकर ये सूचना दी कि वे सुरक्षित हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में जब कई जगहों पर यति नरसिंहानंद का पुतला फूंका गया तो उनके शिष्य ने भी एक वीडियो बनाकर बड़ा बयान दे डाला। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए उन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बमंडर बना दिया है और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना
कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे और अगली बार भी बनेगा, ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि एक शख्स के बयान के बदले में एक प्राचीन हिंदू मंदिर पर हमला करना कितना सही है, और सर तन से जुड़ा के नारे एक धर्म विशेष के लोग खुलेआम लगा सकते हैं, लेकिन जब नुपुर शर्मा और यति नरसिंहानंद कुछ कह दे तो हत्या कर दी जाती है और मंदिर घेर लिए जाते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।